करती है, ईडी को आगे करती है, केंद्र सरकार हमसे करती है, ईडी को आगे करती है, केंद्र सरकार हमसे करती है, ईडी को आगे करती है। मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार। 3 तारीख तक ईडी के हिरासत में महाराष्ट्र में राजनीतिक गलियारों में घमासान। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में ईडी ने नवाब मलिक की 14 दिन की हिरासत मांगी है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी की टीम आज सुबह नवाब मलिक के घर पहुंची थी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान मच गई है। एनसीपी के कार्यकर्ता एक अलग आक्रोश में है और ठाणे महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता सानू पठान, जो एनसीपी के नगर सेवक हैं, अपने टीम के साथ, अपने काफिले के साथ माजीवाड़ा के पास नासिक मुंबई हाईवे पर जोरदार प्रदर्शन किया है। सुनिए क्या कहा है सानू पठान ने। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार अपना बल प्रयोग कर रही है, जो महाराष्ट्र की जनता कभी सहन करेगी नहीं। उनको इतिहास मालूम नहीं है कि दिल्ली के तख्त के आगे महाराष्ट्र कभी झुका नहीं और ना ही कभी झुकेगा। ऐसी ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई लाख कर ले, लेकिन महाविकास आघाड़ी 5 साल कार्यकाल पूरा करके रहेगी और माननीय शरद पवार साहब, उदय साहब ठाकरे के नेतृत्व में यह सरकार 5 साल चले। ईडी से डराओ, एनसीपी से डराओ या इनकम टैक्स से डराओ, हम लोग डरने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब और उदय ठाकरे साहब, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी, अजित दादा पवार, ये सभी के मार्गदर्शन में यह सरकार 5 साल पूरा करेगी। अरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के साथ बाहर जाके निषेध करेंगे कि ईडी जारी है, ईडी जारी है, केंद्र सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है, केंद्र सरकार हमसे डरती है, ईडी को आगे करती है। ईडी कार्यालय के बाहर जा रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के जनता ईडी से घबराती नहीं है और ये बात हम लोग स्पष्ट है कि लोग मुंबई कर ये सरकार केंद्र सरकार को जवाब देके ही रही। कार्यकर्ता जा रहे हैं थाने से, अभी गाड़ियां निकलना शुरू हुई है, अभी हमारे साथ 25 गाड़ी जा रही है और पीछे गाड़ियों का काफिला जा रहा है। नेताओं ने उधर जमा होने की कोई सूचना नहीं है, हम खुद जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब शरद पवार साहब के सामने मामले में नोटिस आई थी, तभी भी हम गए थे। महाविकास आघाड़ी के सरकार के जितने भी खिलाफ ईडी कार्य का उपयोग किया जाएगा, हम निषेध करने के लिए रोड पे रहेंगे। तो आपने सुना सानू पठान ने क्या कहा है। और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, भाजपा ने जो नई राजनीति शुरू की है, ऐसा हमने पहली बार होते देखा है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र कर रही है। जयंत पाटिल ने कहा है, नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों से कई भाजपा नेताओं के कारनामे का पर्दाफाश किया था, इसीलिए बदला लिया जा रहा है। आज सुबह नवाब भाई के यहाँ ईडी के लोग आए थे। बहुत दिन से बीजेपी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता, हितचिंतक उनके ट्वीट करे जा रहे थे कि नवाब भाई और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ईडी नोटिस आएगी, ये होगा, वो होगा। वो आज हो गया है। वो जो उनके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन, वो जो षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये बीजेपी के प्रवक्ता और सब कर रहे थे, वो आज होते हुए पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। दुख की बात ऐसी है कि ना नोटिस आई ना कुछ आया। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी ने ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है। मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रहा है, लेके जा रही है। ये महाराष्ट्र का अपमान है।